हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, एसेंट्रिक कनेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग बोल्टेड के लिए देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एसेंट्रिक कनेक्शन तो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, लेकिन एसेंट्रिक कनेक्शन पर जाने से पहले देखेंगे कि एसेंट्रिक लोड क्या होता है। अब तक हम लोग कॉन्सेंट्रिक लोड देख चुके हैं। तो कॉन्सेंट्रिक लोड क्या होता था? ए लोड इज सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक लोड व्हेन इट्स लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट ग्रुप और रिवेट ग्रुप और वेल्ड ग्रुप। मतलब अब तक हम जितने भी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन या फिर डिजाइन ऑफ वेल्डेड कनेक्शन देख लो, उसमें क्या होता था? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, यहाँ पर आप देख सकते हो, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट। इन चारों बोल्ट का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस यहाँ पर सेंटर पे। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड इज पासिंग फ्रॉम द सी जी ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट, उस तरीके के लोड को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक लोड। और एसेंट्रिक लोड क्या होता है? ए लोड इज कॉल्ड एसेंट्रिक लोड व्हेन इट्स लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बोल्ट और रिवेट और वेल्ड ग्रुप। बिकॉज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी एडिशनल मूवमेंट इज इंड्यूस्ड इन द जॉइंट। तो इसी को डिटेल में देखने वाले हम लोग एसेंट्रिक लोड। तो देखो, यहाँ पर जो लोड P है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। और बोल्ट का CG यहाँ पर कहीं पर तो आएगा, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का CG यहाँ पर आएगा। तो लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट पासिंग फ्रॉम द CG ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट, ठीक है? तो उस टाइप के लोड को कहा जाता है एसेंट्रिक लोड। तो ये जो P लोड है, ये हमारा एसेंट्रिक लोड है। तो हमको करना क्या है? हमको ये एसेंट्रिक लोड P को ट्रांसफर करना है हमारे कॉलम में, और वहां पर हम बोल्ट का कनेक्शन यूज कर रहे हैं। तो हमें अपने बोल्टेड कनेक्शन को इस तरीके से डिजाइन करना है कि वो इस फिनोमिना में सेफली खड़ा रहे विदाउट एनी फेलियर, ठीक है ना? एम क्या है हमारा? एसेंट्रिक लोड पी को कॉलम में ट्रांसफर करना है, ठीक है? अगर मैं टाइप वन को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को यहां से बोल्टेड कर दिया और लोड में इसको यहां पर दे रहा हूं। देखिए, फर्स्ट टाइप क्या कहता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एसेंट्रिक लोड इज इन द प्लेन ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट्स। तो ग्रुप ऑफ बोल्ट यहां पर है और ये सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है ये, ठीक है? लोड भी उसी प्लेन में है और हमारा ग्रुप ऑफ बोल्ट का जो सीजी आएगा वो भी उसी प्लेन में है। आप देखो, ये लोड पी है यहां पर और ग्रुप ऑफ बोल्ट भी सेम प्लेन में है, ठीक है? लेकिन अगर आप टाइप टू को देखोगे, टाइप टू किस तरीके से है, देखो थोड़ा ध्यान से। टाइप टू किस तरीके से है? लोड यहां पर है और ये जो ग्रुप ऑफ बोल्ट का प्लेन है वो तो अलग ही डायरेक्शन में, मतलब वो परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो यही है दो टाइप। एक टाइप में क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एसेंट्रिक लोड इज इन द प्लेन ऑफ ग्रुप ऑफ बोल्ट्स। और सेकंड टाइप क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एसेंट्रिक लोड इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ग्रुप ऑफ बोल्ट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपका लोड का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और जो बोल्टेड होगा वो इस डायरेक्शन में फेस करेगा। अगर आप इसको साइड व्यू से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहां पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि बोल्ट इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है? तो चलिए, यहां पर हम टाइप वन को डिटेल में देखेंगे अभी। तो टाइप वन को लेते हैं, टाइप टू की तरफ हम बाद में जाएंगे। टाइप वन को देखो थोड़ा ध्यान से, कुछ इस तरीके से है। हमारे बोल्ट का ग्रुप का सीजी कहीं पर यहां पर लाई करेगा, तो वहां से लेकर जहां तक हमारा लोड होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं ई, एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है? तो यहां पर हमें इस पी लोड को ट्रांसफर करना है हमारे कॉलम पे। तो यहां पर कितने फोर्सेस आएंगे? तो एक फोर्स यहाँ पर पी आएगा, जो कि शेयर फोर्स होगा, जो कि होगा डायरेक्ट एक्सियल लोड। तो एक होगा F1, जिसको हम लोग नाम देंगे F1 इक्वल्स टू शेयर P, ठीक है? शेयर फोर्स ड्यू टू डायरेक्ट एक्सियल लोड P। और यहाँ पर एक रोटेशन भी आएगा। देखो, इस P एक सर्टेन डिस्टेंस पे है ना इस बोल्टेड के ग्रुप के CG से, तो यहाँ पर एक रोटेशन भी आएगा। एक रोटेशन यहां पर आएगा जो होगा P, और जितने डिस्टेंस पे है उतना डिस्टेंस उसको मल्टीप्लिकेशन में P इंटू E, ठीक है? P इंटू E के कारण एक ट्विस्टिंग मोमेंट होगा जिसको नाम देंगे हम लोग F2।
अभी यही हमें F1 और F2 कैलकुलेट करना है। तो F1 क्या है? F1 तो डायरेक्ट एक्सियल लोड है P, वो कितनों पे पड़ रहा है? जितने बोल्ट से उतनों पे पड़ेगा। तो फिर F1 कैसे निकालेंगे हम लोग? P/N, जहां पर P है आपका फैक्टर्ड लोड और N है नंबर ऑफ बोल्ट्स। तो चाहिए तो मैं लिख देता हूं P इक्वल्स टू फैक्टर्ड लोड और N इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये हो गया आपका शेयरिंग ड्यू टू डायरेक्ट एक्सियल लोड P। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे शेयरिंग। और F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्विस्टिंग, यहां पर तो ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है P into E के कारण, तो वो हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन वो भी सारे बोल्ट झेलेंगे ना, एक बोल्ट नहीं झेल रहा है, यहाँ पर जितने भी बोल्ट है सबको झेलना है। तो देखो F2 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। F2, अब देखो F2 डिपेंड करता है, F2 डिपेंड्स अपॉन रेडियल डिस्टेंस। अब रेडियल डिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ बोल्ट है ना, उसको मैं थोड़ा सा बड़े से ड्रॉ करता हूँ, तब भी आपको समझेगा कि रेडियल डिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर देखो चार बोल्ट है, एक बोल्ट यहाँ पर, 2, 3 और 4। तो रेडियल डिस्टेंस क्या होता है? इसका एक सीजी आएगा यहाँ पर, इस ग्रुप ऑफ बोल्ट का एक सीजी होगा। सीजी से लेकर इस बोल्ट के सेंटर तक के डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियल डिस्टेंस, R। तो यहाँ पर भी एक डिस्टेंस होगा R, यहाँ पर भी एक होगा R और यहाँ पर भी एक होगा R। तो जितने बोल्ट होंगे उतने रेडियल डिस्टेंस, सीजी से लेकर हर बोल्ट तक का डिस्टेंस हमको लेना होता है, वो होता है हमारा रेडियल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस, वेयर R इज रेडियल डिस्टेंस। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करूंगा, जो कि है K। तो ये हो गया K into R। अब मुझे इस K को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो F2 है वो एक बोल्ट नहीं झेल रहा ना, सारे बोल्ट झेल रहा है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिग्मा F2 into R इक्वल्स टू P into E। सिग्मा F2 into R क्या है? नेट फोर्स इन ऑल द बोल्ट्स अबाउट द सीजी ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट, ठीक है? उन सबको मिलके मेरे इस ट्विस्टिंग मूवमेंट को झेलना है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या है मेरा? P into E। तो देखो यहां से F2 की जगह पर K into R रख दो, सिग्मा F2 की जगह पर K into R रखेंगे तो K और R दो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R² इक्वल्स टू PE। मुझे यहाँ से K चाहिए, जो मेरा कांस्टेंट है उसको निकालना है मुझे बाहर, तो यहाँ से K को बाहर निकालो, तो K इक्वल्स टू PE/σR², ठीक है? तो ये है आपका K का फॉर्मूला, जो कि है कांस्टेंट। से तो मेरा K निकला, लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे तो F2 निकालना है, तो F2 क्या है? K into R। तो K तो ये पूरा हो गया PE/σR², ये क्या हो गया K, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं R के साथ, तो ये हो गया मेरा फाइनल फॉर्मूला। तो यहां से हम F2 कैलकुलेट करेंगे। F2 क्या है हमारा? ट्विस्टिंग मोमेंट ड्यू टू P into E, जहां पर E है हमारा एक्सेंट्रिसिटी, कि कितने डिस्टेंस पे वो लोड लग रहा है फ्रॉम द सीजी ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट्स, ठीक है? तो F1 का फॉर्मूला मिल गया आपको, F2 का फॉर्मूला मिल गया। यहाँ पर एक रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, तो रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला मैं दे देता हूँ। रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू √F1² + F2² + 2F1F2 cos θ, वेयर थीटा इक्वल्स टू एंगल बिटवीन F1 एंड F2, एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अब ये एंगल कैसे होगा? देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 4 वोल्ट है उसी को मैं जूम आउट करके बनाता हूँ, आपको समझ जाएगा कि थीटा कैसे निकलेगा। तो ये पहला वोल्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा और ये हमारा चौथा वोल्ट। यहाँ पर देखो जो शेयर फोर्स पड़ेगा वो इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा शेयर फोर्स पड़ रहा है। तो उसको रजिस्ट करने के लिए F1 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट? रजिस्ट कर रहा है ना बोल्ट को, क्या करना है? इस शेयर फोर्स को रजिस्ट करना है। तो ये होगा हमारा F1। अब जो F2 है वो तो ट्विस्टिंग मोमेंट है। देखो ट्विस्टिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मेरा जो F2 होगा वो रजिस्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है? तो ये हो गया मेरा F2, राइट? इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो है मेरा थीटा, और यहां से ही मेरा निकलेगा रिजल्टेंट
एफ आर, यहां से जो निकलेगा वो होगा मेरा रिजल्टेंट एफ आर, ठीक है। फॉर सेफ्टी ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन की सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी ऑफ कनेक्शन एफ आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट क्या होता है? बोल्ट वैल्यू, जो हमारा शेयरिंग और बेयरिंग में से जो भी मिनिमम होता है वो हमारा बोल्ट वैल्यू होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहते हैं। यहाँ पर आप देखो कितने नंबर ऑफ बोल्ट लगाएंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखो यहाँ पर चार बोल्ट लगाए, यहाँ पर इन्होंने एक दो तीन चार पांच छह, तो कितने बोल्ट लगाए वो कैसे पता चलेगा? ये है फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ बोल्ट इन ईच वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर जो एन है वो नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड पर ईच वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बोल्ट, यहाँ पर दो बोल्ट है और यहाँ पर दो बोल्ट है, यहाँ पर बोल्ट काउंट करते हैं वर्टिकल लाइन्स में। यहाँ पर देखो एक वर्टिकल लाइन में कितने बोल्ट है? एक दो तीन चार पांच छह, छह बोल्ट है इन वन वर्टिकल लाइन। यहाँ पर देखो दो वर्टिकल लाइन है एंड टू बोल्ट इन वन वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन में दो बोल्ट है और यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन्स है, और कैपिटल एम इक्वल्स टू ट्विस्टिंग मोमेंट जो कि एफ टू है, और स्मॉल एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ बोल्ट लाइन इन वर्टिकल, कितने लाइन्स होंगे, ठीक है। और पी इक्वल्स टू पिच ऑफ द बोल्ट एंड वी डी बी इक्वल्स टू डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बोल्ट इन ईच वर्टिकल लाइन। तक तो हमने हमारा टाइप वन कवर किया, अभी सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर टाइप वन हमारा खत्म हो चुका है, टाइप टू की तरफ चलते हैं। टाइप टू क्या कहता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द एसेंट्रिक लोड इज इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ग्रुप ऑफ बोल्ट। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। मुझे इस लोड पी को इस कॉलम में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज पॉसिबल है? एक यहाँ पर शेयरिंग होगा। अब वो शेयरिंग क्यों होता है? शेयरिंग होगा ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन लोड पी, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो F1 था, F1 के कारण ड्यू टू डायरेक्ट एक्शन लोड पी वहां पर शेयरिंग होगा। यहाँ पर ट्विस्टिंग भी होता था F2, क्योंकि ये सेम प्लेन में है ना, इसलिए ट्विस्टिंग होता था। लेकिन यहाँ पर देखो क्या यहाँ पर ट्विस्टिंग होगा? नहीं, यहाँ पर ट्विस्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? टेंशन एंड कंप्रेशन होगा। अब वो टेंशन क्यों होगा? देखो जैसे ही ये लोड इस तरीके से पड़ेगा, ये बोल्ट्स बाहर आएंगे, ठीक है। बोल्ट्स बाहर आने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर टेंशन पड़ रहा है बोल्ट्स के ऊपर। देखो इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, राइट, एक न्यूट्रल एक्सिस होगा इसका एन ए। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जितना भी पोर्शन है ना वो होगा टेंशन में, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे के जितना भी पोर्शन है ना वो होगा कंप्रेशन में। यहां से लेकर यहां तक जो हो रहा है टेंशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हो रहा है कंप्रेशन। क्योंकि देखो कैसा होगा, ये जो मेंबर है ना यहां से दूर हो जाएगा, तो यहां से वो कांटेक्ट छोड़ने लगेगा। देखो जैसे कि यहां पर अभी ये कॉन्टेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा? कांटेक्ट यहां से छोड़ने लगेगा। तो ऊपर वाला बोल्ट है ना वो पूरा टेंशन में होगा, और नीचे जो होगा वो कंप्रेशन में होगा। यहां से ये कंप्रेशन झेल रहा होगा और यहां के बोल्ट टेंशन झेल रहे होंगे। तो टोटल फोर्सेस यहां पर क्या क्या आ रहा है? एक शेयर, एक टेंशन और एक कंप्रेशन। न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहां तक का अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, नीचे से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस होता है h by 7, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है h by 7 फ्रॉम बॉटम ऑफ द एंगल, फ्रॉम बॉटम ऑफ एंगल, इस एंगल के बॉटम से, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, बॉटम से लेकर आप काउंट करेंगे h by 7। और h क्या होता है? h इज द डिस्टेंस बॉटम ऑफ द सेक्शन टू द टॉप बोल्ट का सेंटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज h, ठीक है। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द एंगल टू द सेंटर ऑफ टॉप बोल्ट, वो है आपका डिस्टेंस h। और आप न्यूट्रल एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? h by 7। और वो कहां से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम बॉटम ऑफ द एंगल, ठीक है ना। तो देखो फॉर सेफ्टी ऑफ दिस कनेक्शन, आईएस कोड में आप देखेंगे तो वहां पर एक फॉर्मूला दिया है,
पेज नंबर 76 आईएस 800 2007, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीएसबी अपॉन वीडीबी का स्क्वायर प्लस टीबी अपॉन टीडीबी का स्क्वायर, दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको चेक करना है फॉर सेफ्टी ऑफ कनेक्शन, जहां पर वीएसबी है आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल्ट। तो ये फैक्टर्ड शेयर फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि होता है एफ वन। ठीक है, एफ वन क्या होता है हमारा, पी बाय एन। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया था ना केस वन में, केस वन में देखो हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट कर चुके हैं एफ वन। एफ वन कैसे निकलता है, पी बाय एन, तो वही है वहां पर फैक्टर्ड शेयर फोर्स। और जो वी डी बी है वो है डिजाइन शेयर कैपेसिटी। डिजाइन शेयर कैपेसिटी क्या होता है, देखो यहाँ पर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट होता है वी डी बी, तो वही है वो वी डी बी, जो कि होता है बोल्ट वैल्यू। दिस इज बोल्ट वैल्यू। यहाँ पर जो टी बी है फैक्टर टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोल्ट, वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है टी बी इक्वल्स टू एम वन वाई एन अपॉन सिग्मा वाई आई स्क्वायर। और एम वन क्या है, यहाँ पर एम वन इक्वल्स टू कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट अपॉन वन प्लस टू एच सिग्मा वाई आई अपॉन 21 सिग्मा वाई आई स्क्वायर, जहां पर एच है हाइट ऑफ एंगल, वाई वन वाई टू वाई एन क्या है डिस्टेंस ऑफ ईच बोल्ट्स इन टेंशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो कैलकुलेट करके आप यहाँ पर रखोगे टीबी के ऊपर। और ये टी डी बी क्या है, डिजाइन टेंशन कैपेसिटी, तो डिजाइन टेंशन कैपेसिटी क्या होता है, देखो टी डी बी आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 76 आईएस कोड 800 2007। ठीक है, टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, तो टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं कि टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं बोल्ट्स में, तो वही चीज आप यहाँ पर रखोगे जो कि है टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट टी डी बी। तो इसको आप इस फॉर्मूले में सब डालोगे तो दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर सेफ्टी ऑफ कनेक्शन। तो नंबर ऑफ बोल्ट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम है जो मैंने ऊपर दिया था, एन डैश इक्वल्स टू अंडर रूट 6m अपॉन स्मॉल m p v d b। ठीक है, सेम फॉर्मूला है जो मैंने आपको ऊपर दिया था केस वन में, जो टाइप वन लिया था हमने। यहाँ पर देखो टाइप वन में जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था नंबर ऑफ बोल्ट इन ईच वर्टिकल लाइन, सेम फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो यही था आपका सेकेंड टाइप, जो टाइप टू हमने देखा और जो टाइप वन हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं टाइप वन। तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ एसेंट्रिक कनेक्शंस खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।